कि एक क्रिएटिव इंडिविजुअल यही बोलेगा कि परफेक्ट, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट. एक क्रिएटिव आदमी को जो चीज़ सेटिस्फाई करती है वो यही होती है कि स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. मुझे मैम के साथ सीखने को यही मिलता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो आज की लड़कियाँ हैं ना बहुत केपेबल हैं अपने आप को समाज में प्रेजेंट करने के लिए. हमें पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ है सबके लिए. हम उन अपॉर्चुनिटी को कैसे देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. मेरे पास 3 सीन्स आए थे ऑडिशन के लिए और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि आमिर सर की फिल्म है या किस अच्छा, नाम से डायरेक्ट कर रही है. मैंने बस वो 3 पन्ने पढ़े थे और उन 3 सीन्स ने मुझे इतना मूव कर दिया था कि मुझे बस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था. हमने आपकी फिल्म देखी लापता लेडीज, आपका रोल तो बहुत अच्छा है. थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कहाँ से आती हैं आप? तो मैं शिमला से आती हूँ, हिमाचल प्रदेश शिमला, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, मैंने वहीं पे अपनी स्कूलिंग की है. फिर मेरे घर वालों को बोला था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो शिमला में मेरे घर वाले इतना अवेयर नहीं है कि एक्टिंग इंडस्ट्री होती कैसी है. तो वो ऐसे थे कि नहीं नहीं ये क्या है, एक्टिंग तो हमारे खानदान में कभी किसी ने की नहीं, तुम कहाँ से ये शौक पाल के बैठी हो. मैंने बोला मुझे तो करनी है, आप लोग मुझे भेज रहे हो कि मैं जाऊँ. तो मेरे घर वाले थोड़े स्केप्टिकल थे कि करना अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बच्ची को शौक तो है पर पता भी नहीं है, कोई मेरे फैमिली से कभी कोई मुंबई भी नहीं आया था. तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, मैंने बोला मेरा कॉलेज मुंबई में है, अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो आप लोग मुझे रोक भी नहीं सकते हो. तो मैंने मुंबई से कॉलेज किया. कॉलेज तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई क्योंकि मैं ऑडिशन ही देती रहती थी, तो मैं ऑडिशन दे रही हूँ और ऐसे ऐसे करके मुझे काम मिलता गया मिलता गया मिलता गया. फिर मुझे इस फिल्म का ऑफर आया था तो मैंने इसका ऑडिशन दिया था. मैं कहा आमिर खान प्रोडक्शन से एक फिल्म आ रही है, इसका ऑडिशन तो देना ही देना है, क्योंकि AKP ही एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस है जो नए बच्चों को लॉन्च कर रहा है, जो नए यूथ को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. तो मैंने जब स्क्रिप्ट आई, मुझे 4 पन्ने की स्क्रिप्ट आई थी, तो मैं सबसे पहले देखा कि जो आसान वाला है वो बाद में रिवर्स करूँगी, जो मुश्किल वाला है वो पहले करती हूँ. और जैसे ही मैंने मुश्किल वाला सीन पढ़ा, मैं उस सीन से इतना कनेक्ट कर गई कि वो मेरी लाइफ की स्टोरी भी कुछ उसी तरीके से बताता है. और मैंने बोला मुझे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट दिस रोल. फिर लेटर ऑन मुझे कॉल आया कि आपको सिलेक्ट कर दिया गया है. तो बहुत ही अच्छी फीलिंग रही है अभी तक, जितना भी मैंने लाइफ में यहाँ तक पहुँचने की मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही खूबसूरत रही है. तो फिल्म की स्क्रिप्ट ने आपको अट्रैक्ट किया या सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन से ये कॉल था इसके लिए अट्रैक्ट किया? मेरे लिए तो पर्सनली हर चीज़ ही ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी है, आमिर खान प्रोडक्शंस, ऊपर से स्क्रिप्ट भी इतनी अच्छी है, तो वो होता है ना प्लस प्लस प्लस, हर चीज़ को टिकमार्क हो गया था. मुझे ये भी फील नहीं हुआ कि भले प्रोडक्शन हाउस तो इतना बड़ा है, इट्स आमिर खान प्रोडक्शन हाउस, पर स्क्रिप्ट में वो दम नहीं है. तो क्योंकि मैं क्रिएटिवली चीज़ों को इतना अप्रोच करती हूँ लाइफ में, तो फिर मुझे वो डाउट भी नहीं रहा, क्योंकि वो क्रिएटिवली भी इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है कि एक क्रिएटिव इंडिविजुअल यही बोलेगा कि परफेक्ट, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट. एक क्रिएटिव आदमी को जो चीज़ सेटिस्फाई करती है वो यही होती है कि स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं हमें उसमें परफॉर्म करने में हमें बहुत चीज़ें मिलें. तो मेरे लिए कभी कोई ऐसा डाउट नहीं था. ये जो आपका करेक्टर भी है वो बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ अवेयर है, वो भोली भाली लड़की नहीं है, वो इस सिस्टम को बदलना चाहती है, कुछ करना चाहती है. किरण जी से काम करके किरण जी के साथ क्या सीखने को मिला? मुझे मैम के साथ सीखने को यही मिलता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो आज की लड़कियाँ हैं ना बहुत केपेबल है अपने आप को समाज में प्रेजेंट करने के लिए. हमें पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ है सबके लिए. हम उन अपॉर्चुनिटी को कैसे देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे मिल जाती है सबको, तो हमें उस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज़ करना चाहिए. और किरण मैम से मैं यही सीखती हूँ, मैम को पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है कि अगर जैसे हम कोई टेक भी ले रहे हैं फिल्म में, मैम को एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे चेंज कर दूँगी तो वो क्या निकल कर आएगा. तो मैम की ये बहुत अच्छी बात है. और मैम बहुत आर्टिस्टिक है, मैम का सिर्फ काम पे ही नहीं, अगर हम ऐसे बाहर जैसे आजकल हम सिटी ट्रैवल्स पे जा रहे हैं तो मैम का एक आर्टिस्टिक स्पिरिट है मैम की. मैम को घूमना बहुत पसंद है और मैम को नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है, तो मुझे ये चीज़ ही मैम की बहुत अच्छी लगती है. अभी रिसेंटली आप उस गांव में भी गए थे जहां पर उन्होंने शूट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, लोगों ने मिला? आप तो फिल्म देख रहे होंगे. एक्चुअली बताया ये बात अभी मैं कर रही थी तो ऐसा लगता है कि 2 साल की पूरी साइकिल ख़त्म हो गई है. हम जब स्टार्टिंग में गए थे तो एकदम ऐसे डरे हुए होते थे, वहाँ देखते थे कि कुछ बोलना दे हमें, क्योंकि हम नए नए आए हुए हैं, हम भी एकदम बहुत कॉशियस है. लेकिन जब अभी हम गए थे वापस, सब हमें इतना प्यार से वेलकम कर रहे थे. जहाँ जहाँ हमने सीन शूट किया था हमने वो सारी जगहें देखी,
और ऐसे मेमोरी ताज़ा हो गई, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पे हम एकदम टोस्ट पे एकदम मेहनत कर रहे थे कि हाँ ये सीन ऐसे करना है, एक समझ थी। अब ऐसा लग रहा था कि उस पूरे सीन को हम दूर से देख रहे, ऑडियंस की तरह देख रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। आमिर खान साहब से कुछ टिप्स मिले आपको? सर से ये टिप्स मिले, ऑफकोर्स सर से हम ये टिप्स लेते रहते हैं कि सर अब आगे लाइफ में कैसे प्रोसीड करना है। एंड सर का हमेशा ये होता है कि जो भी तुम करोगे काम, बी वेरी श्योर कि तुम यू नो यू सेटिस्फाइड ऑफ व्हाट यू डूइंग, कुछ भी मत कर लेना। एंड आमिर खान सर से जब हम ऐसे बात भी करते हैं ना उनके साथ, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी हर एक लाइन में एक टीचिंग है। तो हम काम की तो चलो बात करते हैं, पर काम को छोड़ के जो हम ऐसी बातचीत कर रहे हैं उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने जब दंगल देखी थी, एक्चुअली मुझे उस वक्त मेरे अंदर वो एक्टिंग का पैशन जाग गया था, तो मैं थिएटर में अपने दोस्तों के साथ दंगल देखने गई थी। और मैंने दंगल में जो आमिर सर की ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, वो बहुत कमेंडेबल ट्रांसफॉर्मेशन थी। और मैं वही सोच के इतनी हैरान हो गई थी, मैंने कहा इन्होंने ये किया कैसे, इन्होंने पहले इतना वेट गेन किया और फिर इतनी अच्छी बॉडी बना दी, ये क्या था। अब जब हम इस बारे में बात करते हैं तो सर बताते हैं कि इट्स ऑल इन योर माइंड। हमारा माइंड इतना पावरफुल है ना कि हमारी फिजिकल बॉडी कुछ भी नहीं है उसके सामने। इट्स आवर माइंड जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो, यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो आई थिंक मैं आमिर सर से ये बात बहुत सीखती हूँ अच्छे से। अब तो आपके बहुत इंटरव्यू भी छप गए हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ गए, अब क्या रिएक्शन है घर वालों का? घर वाले मेरे काफ़ी खुश हैं। इनफैक्ट पूरे शिमला में ये बात काफ़ी लोगों को पता चल गई है, तो सब लोग यही बोलते हैं कि हम काफ़ी प्राउड है आपसे। तो मुझे अच्छा लगता है ये सुन के, क्योंकि मैं एक्चुअली में एक वॉइस बनना चाहती हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए। क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे अभी भी ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं जिन जो शायद ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचती है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। पर ऐसा होता है ना, जब तुम्हारे सराउंड से कोई एक बार निकलता है तो तुम भी सोचते हो कि हम भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये छोटी सी वॉइस भी आगे पास ऑन कर सकती हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। और आपने फिल्म देखी, आप अपने रोल से कितनी सेटिस्फाई है आपको? मैंने ये फिल्म देखी, तो जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी उस वक्त तो हम सारे आर्टिस्ट इतने क्रिटिकल होकर फिल्म देख रहे हैं कि ये क्या है, अरे यार ये क्यों है। पर जब हम भोपाल गए थे, भोपाल में स्क्रीनिंग ली, वो मैंने सेकेंड टाइम फिल्म देखी, तो मैंने ऑडियंस की तरह वो फिल्म देखी। और बाय दी एंड ऑफ द फिल्म मैं खुद इतना रो रही हूँ, स्पर्श रो रहा है, नितांची रो रही है, और हम तीनों एक दूसरे को हग करके सिर्फ रो रहे हैं, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया है वो आ गया है, हम उसका क्या ही चेंज कर सकते हैं। इट्स बेटर टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पर हम उस दिन एक्चुअली बहुत टच थे। फिर शाम को आमिर सर ने पूछा तुम्हें फिल्म कैसी लगी है, सर बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो सर मैंने एक वेब शो किया था, तो उस वेब शो में लॉकडाउन के चलते आमिर सर को टाइम मिला कि उन्होंने वो वेब शो देखा। कौन सा? जामतारा। तो आमिर सर ने जब वहाँ पे मुझे देखा तो उनका एक कॉल आया, उन्हें मेरा काम काफ़ी पसंद आया था, तो उन्हें शायद ये जहन में कहीं रहा होगा कि यार इस लड़के को इसके ऑडिशन के लिए बुला सकते हैं, लापता लेडीज़ के। तो ऐसे मुझे इसका ऑडिशन देने का मौका मिला। फिर तो प्रोसेस जो था काफ़ी ऑर्गेनिक था, मैंने ऑडिशन दिया एंड देन एक ऑफिस में आके फिर से एक और ऑडिशन दिया और तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आपका रिएक्शन क्या था जिस शहर से आप, अभी आपने बताया आप यूपी से हैं, आगरा से हैं, और आमिर खान का कॉल आ जाना, तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? सर मेरा ऐसा, मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी किसी भी बड़े स्टार का मुझे अगर कॉल आएगा या मैं उनसे मिलूंगा तो मैं सक पकाऊंगा नहीं। बट जिस दिन उनका कॉल आया और मैंने वीडियो कॉल पर उनको कैमरे के उस तरफ देखा तो मैं सच में हिल गया। तो मेरी सांसें ऊपर नीचे थी और मैं लिटरली शिवर कर रहा था। तो मैंने बहुत कुछ फालतू चीज़ें भी बड़बड़ा दी, सर मैं डर रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ, बट उन्होंने काफ़ी कंफर्ट किया। पर यस, वो एक होता है जब आप किसी स्टार के सामने होते हो, रूबरू होते हो, तो आप थोड़े सक पका जाते हो। और जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, क्या किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस फिल्म को करने के लिए? सर आई थिंक पहले तो पूरी स्क्रिप्ट ने ही मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। पर अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो मैंने सिर्फ ऑडिशन के 4 पन्ने पढ़े थे जिनको मुझे प्रिपेयर करके भेजना था आगे। तो उन 4 पन्नों पर जो लिखा हुआ था उसने मुझे काफ़ी ट्रिगर कर दिया कि ये 4 पन्ने इतने अच्छे तो पूरी स्क्रिप्ट कितनी अच्छी होगी। और फिर उसके बाद जिस तरह का मैसेज ये फिल्म दे रही है वो भी बहुत बड़ा है कि लड़कियों को प्रोत्साहन दें, लड़कियाँ खुद को कैसे ढूंढें, खुद ना खो जाएं खुद ही में। और एक और बहुत अच्छा मैसेज था जो दीपक जो मेरा कैरेक्टर है वो कहता है इस फिल्म में, कि जो आदमी है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे हम काफ़ी दफ़ा अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं ना, तो ये सब कलेक्टिवली मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर मैंने मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और किरण राव मैम इज डायरेक्टिंग, तो व्हाई नॉट। किरण राव
क्या किरण जी से काम करके क्या सीखने को मिला आपको, क्या सर आपकी एक्टिंग में क्या और इजाफा हुआ? आई थिंक किरण मैम के साथ काम करने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा एक फ़ीमेल डायरेक्टर के साथ काम किया था, तो जब आप एक फ़ीमेल डायरेक्टर के साथ काम करते हो ना, तो आपके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है ना, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, वो बाहर आती हैं। तो फिल्म शूट करते करते उनके डायरेक्शन में तो एक बेहतर एक्टर मैं बना ही हूँ। काफ़ी इमोशंस जो मैंने अनडिस्कवर्ड थे, जो ना मैं देख नहीं पा रहा था, वो काफ़ी सामने उभर कर आए। लेकिन एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उनके साथ काम करके मैं एक बेहतर इंसान भी बना हूँ, मोर देन एन एक्टर, तो ये मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कहीं एक डर नहीं होता फिल्म लापता लेडीज, फीमेल डायरेक्टर, एक एक्टर को, मेल एक्टर को इनसिक्योरिटी नहीं होती कहीं वुमन ओरिएंटेड सिनेमा बन जाएगा, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते थे? मुझे कभी एक्चुअली ये डर नहीं लगा, और ये इसमें कोई मेरी खूबी नहीं है, इसमें किरण मैम की खूबी है कि वो इस तरह से आपको सपोर्ट करती हैं, इस तरह से आपको पैम्पर करती हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहानी हो, चाहे वो फीमेल ओरिएंटेड हो या मेल ओरिएंटेड हो, अगर आपका कैरेक्टर उस तरह से बखूबी लिखा गया है तो आप दिख के आओगे, और अगर आपने काम अच्छा किया है तो किसी भी तरह की फिल्म हो आप दिख कर सामने आओगे। और एज ए दीपक, आप कैरेक्टर जो आपने प्ले किया, आपकी फिल्म क्या मैसेज देती है, क्यों देखने जाएं इसको, लापता लेडीज को? तो इस फिल्म के तीन जो मेन किरदार हैं, दीपक, फूल और पुष्पा रानी, इन तीनों की तरफ से ही एक मैसेज जाता है। तो पहला मैसेज अगर मैं कहूँ तो ये है कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, ना कि उनकी जल्दी शादी करा के उनको घर में सेटल कर दिया जाए, बल्कि उनके सपनों को बढ़ावा दिया जाए। हमारी फिल्म में एक बहुत अच्छी लाइन है कि सपना देखने की माफ़ी नहीं मांगते, तो लड़कियों को सपोर्ट किया जाए। दूसरा एक ये है कि लड़कियां खुद को ढूंढें, वो किसी पे डिपेंडेंट होने के आइडिया से अप्रोच ना लें, बल्कि ये देखें वो खुद कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। तो ये एक दूसरा मैसेज है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि आदमी जो है वो अपने प्यार का इजहार कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को सामने रख सकता है, वो रो भी सकता है। हमें हमेशा डोमिनेंट या थोड़े से मैनली बिहेवियर की जो इमेज बना दी है, उस तरह से प्रटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन बी एक्सप्रेसिव अबाउट आर फीलिंग्स। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, मुझे बात करने के लिए। थैंक यू सर। जब मेरे पास तीन सीन्स आए थे ऑडिशन के लिए, और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि आमिर सर की फिल्म है या किरण मैम इसे डायरेक्ट कर रही हैं। मैंने बस वो तीन पन्ने पढ़े थे, और उन तीन सीन्स ने मुझे इतना मूव कर दिया था कि मुझे बस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था किसी भी तरह। मुझे जैसी स्क्रिप्ट मिली, मैं थी अब मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, अब मुझे ये करना ही है। और मैंने इसके लिए सुई धागा देखी, बालिका भधू देखी, और बहुत सारे भोजपुरी विमेन के वीडियोस देखे टू सी कि वहाँ की औरतें कैसी होती हैं, क्योंकि ये 2001 की स्टोरी है और मैं 2007 बॉर्न हूँ, तो मैंने ये एरा कभी देखा ही नहीं है। और अब मैं ऑडिशन में ही ये एरा जीना चाहती थी कि हाँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगे कि मैं उन औरतों की स्टोरी बता रही हूँ। तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करी, घूंघट कैसे लगाते हैं वो प्रैक्टिस किया। हमारे में साड़ी का कॉस्ट्यूम चाहिए थी, मेरे पास साड़ी नहीं थी, तो मैंने लहंगा दुपट्टा किसी तरह कर करके उसको एक रेडीमेड साड़ी बनाई, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रैक्टिस करी, क्योंकि फूल की बॉडी लैंग्वेज उसका कहीं ना कहीं सब कुछ है। फूल फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं कहती, पर आप उसके हाव भाव से, उसकी आंखों से पहचान जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रही है। तो कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं किसी इंसान की तरफ, मैंने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी। और उसके बाद जब मैंने ऑडिशन बना के भेजा सुबह सुबह, तो मेरे पास शाम को ही कॉल आ गया कि किरण मैम को बहुत पसंद आया ऑडिशन, और आमिर सर आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद मतलब मैं तो रोने लग गई, मम्मा रोने लग गई, हम सबके लिए इतनी बड़ी बात थी कि एक तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतना प्यारा किरदार, और आमिर सर की फिल्म। सर, मैंने बचपन से आमिर सर की फिल्में देखी हैं, थ्री इडियट्स, दंगल। इनफैक्ट दंगल देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था कि मुझे कभी ना कभी आमिर सर की फिल्म में काम करना है। और जब ये हुआ, मेरे लिए इतनी इतनी बड़ी बात थी, मैंने अपने डैडी को बताया, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू हो गया। इट वाज लाइक मेरी दुनिया ही पलटने वाली है। और मैं आमिर सर से मिली, आमिर सर इतने इतने हम्बल हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। आप उनके साथ 5 मिनट बैठेंगे, वो आपको क्या क्या सिखा देंगे, और वो इतने अच्छे हैं, वो सबका इतना ध्यान रखते हैं, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे लिए तो बहुत अच्छी जर्नी थी। किरण जी के साथ क्या आपने लेसन लिया इस फिल्म के दौरान? किरण मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो वो इतनी अच्छी डायरेक्टर हैं और इतनी डेडिकेटेड डायरेक्टर हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब हम शूट कर रहे थे, तो जब जैसे मेरे बहुत सारे सीन्स हैं सुबह सुबह के, मैं पानी बर्तन धो रही हूँ, मेरा एक सीन था और ठंडे पानी से धो रही हूँ, तो तब शिरडी में बहुत ठंड थी उस वक्त,
आई थिंक ऑलमोस्ट 10 डिग्री 11 डिग्री, और मैंने कुछ थर्मल वर्मल भी नहीं पहने थे, साड़ी में एकदम जैसा लुक एकदम रॉ एंड रियल रखा था। तो किरण मैम की आदत है, वो कभी अपने एक्टर्स को पहले, वो उनसे पहले करती हैं कुछ भी करती हैं, उन्होंने पहले ठंडा पानी देखा कि कितना ठंडा है, क्या मेरे एक्टर्स इसमें शूट कर पाएंगे, क्या वो कंफर्टेबल होंगे। मैम हर एक एक्टर के लिए इतना सोचती हैं, किसी भी एक्टर को कोई प्रॉब्लम होती थी डायलॉग याद करने में या कोई सीन उनको ना समझ आए तो मैम बैठ के करके दिखाती थी और फिर एक्टर से निकलवाती थी। तो मैम इतनी डेडिकेटेड थी, आई थिंक मेरे हिसाब से वो सबसे हार्ड वर्किंग इंसान थी उस वक्त शूट पे। वो सबका एक ए टू जेड, चाहे फिर वो डायरेक्शन हो, चाहे फिर वो डीओपी में कैमरा वर्क हो, चाहे फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन हो, प्री प्रोडक्शन हो, बहुत डेडिकेटेड थी मैम। और मेरे लिए तो मैम मम्मा जैसी थी। अगर मम्मा दूर रहती थी मुझसे सेट पे तो वो मेरा ध्यान रखती थी हर वक्त कि नितांशी हर वक्त एकदम केयर में रहे और नितांशी को कुछ ना हो। तो मैम इज़ लाइक द बेस्ट 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 डायरेक्टर आई हैव एवर वर्क्ड विद। हमने आपकी फिल्म देखी है, आपका जो किरदार है फूल जी, वो भले ही वो रेलवे स्टेशन पे छूट गया, बदल गई, उसमें कभी असहायपन नहीं लगा उसने उस परिस्थिति से लड़ने की जो प्रेरणा, वो जज्बा जो स्क्रिप्ट में आया वो किस तरह से था, उसके लिए आपको क्या ब्रीफ किया गया था? जब मैंने वो सीन्स भी पढ़े थे तो मैंने एक चीज समझी थी कि फूल के अंदर एक वो होप है, अब वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है फिल्म में। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से हर लड़की कहीं ना कहीं फूल की तरह होती है। हम सबको ये लगता है कि हम इतने शायद से टैलेंटेड नहीं है या हमें इतने स्किल्स नहीं है या हम शायद से ज़िंदगी में इतना ही कर पाएंगे, और फूल को भी वही लगता था, उसको पता ही नहीं था कि वो कितनी केपेबल है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तो हर लड़की को कहीं ना कहीं यही चीज़ लगती है, पर जब सिचुएशन आती है तब उन्हें पता लगता है कि हाँ लड़की इतनी कैपेबल होती है कि कोई भी सिचुएशन में आप उसे डाल दो, कुछ भी करवा लो, वो बिना किसी इंसान के अपने आप अपने दम पे कुछ भी कर सकती है। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा यही था कि आप उन फूल जैसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो क्या करें जो अपने आप को प्रॉपर ढूंढ पाए। आई थिंक पहली बात तो ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि मेरे हिसाब से हर इंसान इतना टैलेंटेड है, इतना स्किलफुल है दुनिया में, और भगवान जी ना सबको कोई ना कोई टैलेंट देते हैं। तो मैं तो बोलूँगी जैसे ही आपको पता चलना है कि ये आपकी कोई स्पेशल चीज़ है, आप उसे कहीं जाने मत दो, आप उसको दोनों हाथ से वहीं पकड़ के रखो और उस पर काम करो, क्योंकि हर इंसान बहुत काबिल है कुछ भी करने के लिए, हर इंसान। जैसे आपको मिल्क केक बनाने का टैलेंट दिया, उसमें भी आपने वो फूल की कला है, वो मैं नहीं सीख पाई। मैंने रोटियां बनानी सीखी फिल्म के लिए, क्योंकि फूल गोल गोल रोटियां बनाती है और मुझे बनानी नहीं आती थी, मैंने कभी किचन में गई भी नहीं थी। तो 2 महीने तक मैंने रोटियां बनाना सीखा था, पहली रोटी मेरी जल गई थी, दूसरी में छेद हो गया था, पर धीरे 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 करके फूल की वो कला सीखने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर मैंने किया था। जो मंजू ताई ने पैसा दिया आपको जी, मंजू माई ने पैसा दिया जी जी, तो भी आपके रिएक्शन बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अच्छे काम करते रहे। थैंक यू सो मच।